मंगलवार की सुबह जिला कांग्रेस कार्यालय में कमेटी में अपना 137वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरित किए, संगठन की मजबूती पर बल दिया। इस दौरान देश को आजाद कराने वाले सपूतों को याद भी किया गया तथा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष महेश यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने पार्टी के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, देश को अंग्रेज के हाथों मुक्त कराने में कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज वीर सपूतों के बलिदान से ही हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खरे ने बताया, कांग्रेस पार्टी का एक अपना इतिहास रहा। यह पार्टी देश को आजाद कराने वाली पार्टी रही है। गांव-गांव जाकर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आज भी स्वतंत्र संग्राम सेनानी ज्यादातर कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए यह पार्टी गुट निरपेक्ष और धर्म निरपेक्षता सिद्धांत वाली पार्टी है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आज कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस एवं हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल का भी 98वां स्थापना दिवस है, उस मौके पर आज हम जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में सभी लोग ध्वजारोहण उपरांत यहां पर जुड़े हैं और जो 137 पर कांग्रेस संगठन की स्थापना की गई थी, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि जिस संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, उस दिन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए अपनी बात मनाने के लिए संगठन का उद्देश्य था। लेकिन इसके बाद ये कारवाई जुड़ता गया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए इस संगठन को आगे आना पड़ा और कांग्रेस के संगठन ने ही आज़ादी दिलाई है और उसका पूरा श्रेय कांग्रेस के नेताओं को है। इसलिए आज हम लोग स्थापना दिवस पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं और पूरे भारतवर्ष में इस कांग्रेस स्थापना दिवस जिला कांग्रेस कमेटी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पर मनाया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।